नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यदि आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का न्यू एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल वाला और वर्चुअल दोनों आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग बीओबी वर्ल्ड को पहले से डाउनलोड करके रजिस्टर किए हुए हैं, तो अप्लाई करने के पहले इसको आपको रजिस्टर करूँगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, पहले से वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको अपना एम पिन डाल करके लॉग इन करना होगा एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए। जब अपना एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए लॉग इन कीजिएगा, इसमें देखिए आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। देखिए मेरे पास फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में दो अकाउंट है, एक करेंट है और एक सेविंग है। आपका यदि भी दो है तो आप किसके माध्यम से, अर्थात जिस भी अकाउंट से माध्यम से अपना एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अभी आपको हम बताने वाले हैं। उसके बाद देखिए एटीएम कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको सबसे नीचे चले जाना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख पाएंगे कार्ड्स की, फिर आपको इसी कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ से कार्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख पाएंगे ये ओपन हो रहा है, इसके लिए आपको कुछ चार्ज भी देना होगा। सर आप देख पाएंगे हम पहले से भी एक एटीएम कार्ड अप्लाई किए हुए हैं, ये रुपये का है, ये मेरे घर पर आ भी चुका है। यदि आप भी अप्लाई कीजिएगा तो आपका एटीएम कार्ड यहाँ शो कर देगा। उसके बाद आप अप्लाई कैसे कीजिएगा, चलिए पहले आपको अप्लाई करके हम दिखाते हैं। तो अप्लाई करेंगे कि सबसे नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर बीओबी डेबिट कार्ड, आप स्पष्ट तौर पे देख पाओगे, यहीं से आप अपना एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल वाला और डिजिटल वाला दोनों यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात वर्चुअल एटीएम कार्ड। तो फिजिकल अप्लाई कैसे कीजिएगा, इसके ऊपर हम डिटेल पूर्वक वीडियो की है, फिलहाल अभी भी आपको हम बता देंगे। तो अप्लाई करेंगे, फिर आपको इसी के ऊपर क्लिक करूँगा अप्लाई नाउ के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है अप्लाई फॉर फिजिकल डेबिट कार्ड, अर्थात जब आप यहाँ से अप्लाई कीजिएगा फर्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपके घर पर कुछ इस प्रकार से आपके हैंड में एटीएम कार्ड बाय पोस्ट डिलीवर कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद के नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर वर्चुअल डेबिट कार्ड, अर्थात जब आप यहाँ से अप्लाई कीजिएगा तो आपके घर पर एटीएम कार्ड नहीं आएगा, केवल आपको मोबाइल में ही देखने के लिए मिलेगा, जिस प्रकार से कि पेटीएम पेमेंट बैंक में देखने के लिए मिलता है, या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक में, या फिर आपको केवल इस प्रकार से, आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा बैक जाकर के, केवल आपको इस प्रकार से एटीएम कार्ड आपके फ़ोन में ही देखने के लिए मिलेगा, आपके हैंड में नहीं आएगा जब आप वर्चुअल वाला एटीएम कार्ड अप्लाई कीजिएगा तो, अर्थात सेकंड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद के जब आप यहाँ से अप्लाई कीजिएगा फर्स्ट के ऊपर, इसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा। आप नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके चार्ज पता कर सकते हैं आपको क्या चलेगा, या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं। हम इसके ऊपर भी डिटेल पूर्वक पहले से वीडियो किए हुए, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद के इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा, देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट अकाउंट नंबर। जैसे आप सेलेक्ट अकाउंट नंबर पर क्लिक कीजिएगा, देखिए आपको दो अकाउंट यहाँ शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि आपका भी दो अकाउंट है तो एक करेंट एक सेविंग, आप जिस भी अकाउंट के माध्यम से अपना डेबिट कार्ड अप्लाई करके लेना चाहते हैं आपको यहाँ से उसको सेलेक्ट करना। जैसे हम सेविंग के साथ लेना चाहते हैं, हम सेविंग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए नीचे में आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपके अकाउंट के साथ जो भी आपका एड्रेस होगा ऑटोमेटिक यहाँ फिल होगा, इसी एड्रेस पर आपका एटीएम कार्ड डिलीवर करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद नीचे में देखिए बोल रहा है सिलेक्ट कार्ड टाइप, आप किस प्रकार का एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं। देखिए आपको दो एटीएम कार्ड यहाँ से देखने के, रुपये बड़ौदा बीपीसीएल डेबिट कार्ड, आप जो भी एटीएम कार्ड यहाँ से लेना चाहते हैं आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ से उस कार्ड के ऊपर सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए नीचे फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ चार्ज डिटेल पूर्वक देखने के लिए मिलेगा कि आपको क्या क्या चार्ज लेगा, कितना आप इस पर निकाल सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, आप एक बार अच्छे से पहले इसको रीड कर लीजिएगा। तो चलिए आपको हम कुछ बताते हैं। देखिए बोल रहा है इशू चार्ज 300 प्लस जीएसटी, अर्थात जब आप इसको फर्स्ट टाइम जैसा अभी अप्लाई कीजिएगा तो आपके अकाउंट से पहले 300 रुपया चार्ज कट जाएगा। उसके बाद एनुअल चार्ज भी आपको 300 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा, अर्थात जब आपका एटीएम कार्ड का एक साल हो जाएगा तो आपको प्रत्येक साल 300 रुपया इस एटीएम कार्ड के लिए चार्ज कटेगा। आपको ऊपर में ट्रांजेक्शन लिमिट देखने मिलेगा, देखिए बोला है मैक्सिमम डेली विड्रॉल लिमिट आप 50,000 कर सकते हैं एक दिन में, आप स्पष्ट तौर पर भरेंगे। उसके देखिए कार्डलेस विड्रॉल के माध्यम से आप 5,000 तक निकाल सकते हैं, आपको 5% का कैशबैक भी मिलेगा इस एटीएम कार्ड के साथ। आपको इस प्रकार कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा। यदि आप इनके साथ सहमत हैं फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा, आपके अकाउंट से 300 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा वो एटीएम कार्ड का चार्ज अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट कीजिए फिर आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा फिर से आपका कंफर्मेशन के लिए कह रहा है कि आपका एड्रेस पूरा डिटेल चीज़ सही से या फिर नहीं है। उसके बाद कार्ड का पिन भी आपको सोचेगा। उसके बाद फिर आपको
कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक किया, देखिए आपको ट्रांजेक्शन पिन डालने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप यहाँ से अपना ट्रांजेक्शन पिन डालिएगा, आपका एटीएम कार्ड सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेरे पास फिलहाल पहले से एटीएम कार्ड है, इसलिए हमसे ट्रांजेक्शन पिन नहीं डालेंगे, एटीएम कार्ड अप्लाई नहीं करेंगे। यदि आप अप्लाई करके लेना चाहते हैं तो यहाँ से अपना ट्रांजेक्शन पिन जैसे डालिएगा, उसके बाद आपका एटीएम कार्ड अप्लाई हो जाएगा और आपके घर पर लगभग एक सप्ताह के अंदर में बाय पोस्ट डिलीवर भी हो जाएगा। उसके चलिए आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड अप्लाई करके दिखाते हैं, जिसके लिए कि आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा और आप केवल इसको यूपीआई वगैरह में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके घर पे नहीं आएगा। अप्लाई करेंगे तो आपको इसी अप्लाई नो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नो पर क्लिक किया, देखिए बोल रहा है गेट इंस्टेंट कार्ड विथ नो इशू चार्ज, अर्थात आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इशू करेंगे फिर आपको वही अपना सेलेक्ट अकाउंट नंबर करूँगा, आप किस अकाउंट के साथ अपने एटीएम कार्ड इशू करना चाहते हैं। जैसे हम सेविंग के साथ तो सेविंग को करेंगे, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है सेलेक्ट कार्ड वेरिएंट, आप किस प्रकार का कार्ड एक्टिव करना चाहते हैं। देखिए आपको यहाँ से तीन कार्ड देखने को मिलेगा, एक वीजा का क्लासिक, उसके बाद वीजा का प्लेटिनम, उसके बाद रुपये का प्लेटिनम। आप जिसका भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम रुपये का प्लेटिनम करना चाहते हैं तो यहाँ से रुपये का प्लेटिनम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे फिर से आपको वही ओके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका देखिए एक्सपायरी डेट, उसके बाद एंडिंग डेट, पूरा डिटेल यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा जब आप यहाँ से वर्चुअल वाला एटीएम कार्ड अप्लाई कीजिएगा। तो फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको देखिए कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, वही आपको कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ से फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ट्रांजेक्शन पिन डालना होगा। जब आप यहाँ से सही से ट्रांजेक्शन पिन डाल दीजिएगा, उसके बाद ये एटीएम कार्ड यहाँ से सक्सेसफुल अभी एक सेकंड के अंदर में एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख पाएंगे ये हो गया, योर एप्लीकेशन वर्चुअल डेबिट कार्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, अर्थात ये सक्सेसफुल हो चुका है, आपका एटीएम कार्ड यहाँ से इशू हो चुका है। तो यहाँ से मेरा एटीएम कार्ड अब एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद क्या करूँगा, आपको यहाँ से इसको लॉग आउट करना होगा। जब आप लॉग आउट कीजिएगा, फिर से लॉग इन कीजिएगा, तभी आपका एटीएम कार्ड इसमें शो होगा। इसके लिए पहले आपको यहाँ से लॉग आउट पर क्लिक करके यहाँ से आपको लॉग आउट हो जाना होगा। हम यहाँ से पहले लॉग आउट एक बार हो जाते हैं, आप देखो ना हम यहाँ से लॉग आउट हो चुके हैं। उसके बाद फिर से इसमें हम लॉग इन करेंगे। जब आप दोबारा से लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद फिर से आपको उसी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कार्ड्स के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपका वो अभी जो फिजिकल वाला डिजिटल वाला एटीएम कार्ड शो हुआ, यहाँ आपको देखने मिलेगा। आप यहाँ पहले देख पाएंगे ये मेरा केवल एक एटीएम कार्ड शो हो रहा है, आप देखिए यहाँ से दो एटीएम कार्ड शो हो रहा है। आप देख पाएंगे रुपये का यहाँ से मेरा दो एटीएम कार्ड अब शो हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से अभी एक वर्चुअल वाला एटीएम कार्ड एक्टिवेट किए। तो आप इस प्रकार से अपने एटीएम कार्ड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं वर्चुअल वाला, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप फिजिकल वाला एटीएम कार्ड लीजिएगा तो इसके लिए आपको चार्ज लेगा, वर्चुअल के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं। यदि आपके मन में कोई और सवाल रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर प्रॉपर जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।